हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस लॉकडाउन में ढाबे या रेस्टोरेंट के खाने को मिस कर रहे हैं तो आज हम आपको दो ऐसी रेसिपी बताएंगे जिससे आप घर पर ही ढाबे के खाने का मज़ा ले सकते हैं। तो आज हम आपको अचारी प्याज और लच्छे वाली प्याज बनाने की रेसिपी बताएंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हम दो प्याज लेंगे और इसको छील कर गोल गोल काट लेंगे। कोशिश करें कि प्याज गोली हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। प्याज के ज़्यादा बारीक या मोटे टुकड़े नहीं काटने हैं, बस मीडियम साइज़ के टुकड़े रखने हैं। प्याज को काटकर इसके रिंग्स अलग कर लेंगे और इसको पानी में डालकर अच्छी तरह धो लेंगे। देखिए, मैंने प्याज को अच्छी तरह धो लिया है और इसके सारे रिंग्स अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और खूब सारी कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें डालेंगे भुने जीरे का पाउडर और इसमें फिर वाइट विनेगर मिक्स करेंगे। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू का जूस भी डाल सकती हैं। तो देखिए, हमारी लच्छे वाली प्याज बनकर तैयार है। अब हम एक दूसरी प्याज की रेसिपी बनाएंगे। ये वाली रेसिपी आपने कभी नहीं खाई होगी क्योंकि ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। जब हम छोटे थे तो वो घर पर ये वाली प्याज बहुत बनाती थी। इसके लिए हम प्याज को लेंगे और इसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। इसको भी हम पानी में डालकर अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। देखिए, प्याज को अच्छी तरह मैंने वॉश करके पानी में से निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और फिर जो आपके पास घर में आम का अचार होता है उसका मसाला अक्सर बच जाता है, तो वो मसाला हम इस प्याज में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह हमारी अचारी प्याज बनकर तैयार है। ये वाली प्याज बहुत सिंपल है और जो आपके घर अचार का मसाला बच जाता है उसका भी इसमें यूज़ हो जाता है। आप इन दोनों रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और देखिए कि आपके सिंपल से खाने का टेस्ट कितना बढ़ जाएगा। तो मिनटों में बनने वाली ये दोनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें और अपने खाने का टेस्ट बढ़ाएं। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप और कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नई नई रेसिपीज देखने के लिए जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।